आइए सुपर सिक्स की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात ईवीएम हैकिंग मामले की। ईवीएम हैकिंग का दावा करने वाले कथित हैकर सैयद शुजा के खिलाफ चुनाव आयोग की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग ने ईवीएम हैकिंग के दावों को गलत बताते हुए कहा कि वोटिंग मशीन पूरी तरह से सुरक्षित है। ईसीआईएल ने बयान जारी कर कहा है कि सैयद शुजा नाम का कोई भी शख्स उस दौरान वहां काम नहीं करता था। सैयद शुजा की टीम के लोगों की हत्या की बात भी संदेश में, हैदराबाद पुलिस ने ऐसे किसी हमले की जानकारी से इनकार किया। एबीपी न्यूज की पड़ताल में काकी रेड्डी गेस्ट हाउस का भी कोई अता पता नहीं चला। शुजा ने इसी गेस्ट हाउस में लोगों की हत्या की बात कही थी। लंदन में सैयद शुजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कराने वाले पत्रकार आशीष ने कहा कि उन्होंने सभी दलों और चुनाव आयोग को न्योता भेजा था। ईवीएम हैकिंग विवाद पर बीजेपी का पलटवार, हैकिंग के दावे को कांग्रेस प्रायोजित बताया। कानून मंत्री ने पूछा, सबूत पेश क्यों नहीं किया। ईवीएम हैकिंग के दावे पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उठाए सवाल का, क्या इन सब के पीछे राहुल गांधी हैं। बीजेपी के हमले के बाद कपिल सिब्बल की सफाई, कहा निजी काम से गया था लंदन, आशीष रे के बुलाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया। ईवीएम हैकिंग विवाद में कूदे मायावती और अखिलेश, 2019 का चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बीजेपी पर लगाया प्रचार करने से रोकने का आरोप, कहा बीजेपी ने जानबूझकर सभी निजी चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर बुक करा लिए हैं। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तबीयत बिगड़ गई, झारग्राम की रैली में शामिल हुए बगैर दिल्ली लौट आए। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, खराब सेहत के चलते डॉक्टरों ने अमित शाह को किसी रैली में हिस्सा न लेने की सलाह दी है। इससे पहले मालदा से अमित शाह ने फूंका चुनावी बिगुल, कहा गठबंधन की जिस रैली में भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे ना लगे वो देश का भला क्या भला करेंगे। आज से दो दिनों के अमेठी दौरे पर पहुंचेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आंध्र प्रदेश के सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आज मायावती और अखिलेश यादव से कर सकते हैं मुलाकात। इससे पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं चंद्रबाबू नायडू। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने लखनऊ में बुलाई जोनल कोऑर्डिनेटर्स की बैठक, गठबंधन की सीटों पर करेंगी चर्चा। शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का आज जन्मदिन, 33,000 रुद्राक्षों से बनाया गया ठाकरे साहब का पोर्ट्रेट। मुंबई में बाला साहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर शिवाजी पार्क में लाखों शिव सैनिक श्रद्धांजलि देंगे। महाराष्ट्र सरकार ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। शिवसेना ने बाल ठाकरे के स्मारक के लिए बजट की मंजूरी का स्वागत किया। मीसा भारती के हाथ काटने के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, कहा कटे हाथ से भी मीसा भारती को आशीर्वाद दूंगा। पटना की सभा में मीसा भारती ने कहा उनका मन कहता है कि कड़ासे से रामकृपाल के हाथ काट डाले। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला को विश्वासघाती बताया, कहा केजरीवाल से मिलकर अपने ही परिवार के खिलाफ साजिश रची। हरियाणा के जींद में नैना चौटाला की सभा के दौरान मंच पर छलके आंसू, भावुक होते हुए बोली दुष्यंत चौटाला के पीछे पड़े हैं सारे परिवार के लोग। हरियाणा के जींद में जेपीपी प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला के लिए महिला पहलवान बबीता फोगाट उपचुनाव में कर रही है प्रचार। तमिलनाडु में एआईडीएमके ने बीजेपी से गठबंधन के संकेत दिए हैं। एमपी के दमोह में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस को गाली देने के मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत 18 के खिलाफ केस दर्ज। 26 जनवरी से पहले पीएम मोदी लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना को समर्पित म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोले पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, कहा चीन से बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, आधारभूत ढांचा भी चीन से बेहतर होगा। करतारपुर कॉरिडोर पर भारत और पाकिस्तान के बीच अगले महीने 26 फरवरी या 7 मार्च को हो सकती है बैठक। पंजाब के अमृतसर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देशों से व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और ठाणे के मुमरा इलाके में एटीएस ने 9 संदिग्धों को हिरासत में लिया।
औरंगाबाद और थाने से हिरासत में लिए गए संदिग्धों का आईएस से संपर्क का शक जताया जा रहा है। गिरफ्तार की गई संदिग्धों के पास से एटीएस ने लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल फोन जब्त किए हैं जिनकी जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के शोपिया एनकाउंटर में मारा गया 2012 बैच के आईपीएस अफसर इनेमुल हक का आतंकी भाई शमसुल हक। जम्मू कश्मीर के शोपिया में कल हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। भारत बांग्लादेश सीमा पर गिरफ्तार किए गए 7 रोहिंग्या को 4 जनवरी तक के लिए जेल भेजा गया। एमपी के रायसेन में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव संदिग्ध हालत में मिले, परिवार के मुखिया की हालत नाजुक। बताया जा रहा है कि रायसेन के मंडी द्वीप में जिस परिवार के 4 लोगों के शव मिले हैं वो 24 घंटे से ज्यादा समय से कमरे में कैद थे। दिल्ली में किन्नर को गोली मारने के आरोपी को पुलिस ने निजामुद्दीन इलाके से गिरफ्तार किया, सुंदर भाटी गैंग का सदस्य है आरोपी। दिल्ली के ख्याला इलाके के ज्वेलरी शोरूम में लूट, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में लूट की झूठी शिकायत दर्ज कराने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चिटफंड कंपनी के 18 लाख रुपए भी बरामद किए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में 14 साल की लड़की का अपहरण कर गैंग। यूपी के कुशीनगर में जन्म के बाद फेंके गए नवजात को मुंह में लेकर घूमता रहा कुत्ता। बरेली में गांव वालों ने तांत्रिकों पर लगाया तंत्र विद्या से जान लेने का आरोप, तांत्रिक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मुंबई में पार्किंग में खड़ी कार में लगी आग, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। मुंबई से सटे विरार में टैंक शव के टुकड़े मिलने से सनसनी, महिला का शव होने की आशंका। मुंबई के मानखुर्द मंडाला इलाके में विधवा महिला के साथ 2 अलग अलग जगहों पर रेप हुआ। पुणे की पिंपरी में 7 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या हुई। एमपी के राजगढ़ में सांसद के गोद लिए हुए गांव में छात्रा को स्कूल में बंधक बनाकर रेप हुआ। राजगढ़ में स्कूल में हुए रेप के मामले में 2 शिक्षकों पर आरोपी की मदद का आरोप लगा है। एमपी के छिंदवाड़ा में मक्का चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। एमपी की मुरैना में सरकार के नाक के नीचे खनन माफियाओं की मनमानी जारी है। एमपी के झाबुआ में चोरी के बाद चोर ने घर की दीवार पर मैसेज लिखा, गरीबों का पैसा खाओगे तो मार दूंगा। झाबुआ में जिस घर में चोरी के बाद मैसेज लिखा गया है वो घर स्वास्थ्य कर्मचारी का है। बिहार के बक्सर में बाइक सवार बदमाशों ने सरयाम एक शख्स को गोली मारी, हत्या के केस में पैरवी कार था शख्स। बिहार के पटना में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी बनी आफत, 5 नेशनल हाईवे समेत 377 सड़कों पर आवागमन बंद हुआ। हिमाचल के शिमला, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, सिरमौर जिले के ऊपरी इलाकों में दिनभर भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। हिमाचल के मनाली में लगातार हो रही बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। पंजाब के लुधियाना में भारी बारिश से ठंड बढ़ गई है, इससे पहले 1977 में हुई थी जनवरी में इतनी बारिश। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बर्फबारी से ठंड बढ़ी, पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश से शिशु मंदिर विद्यालय का भवन गिरा, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बर्फबारी के बाद रास्ते बंद हो गए हैं, कुछ जगहों पर -3 डिग्री तक लुढ़का है पारा। जम्मू कश्मीर के कांजीगुंड में बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे पर जाम लगा, जवाहर सुरंग से टकराया बर्फ का तूफान। वाराणसी में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आए 3,000 प्रवासियों को कुंभ में मिलेगी वीआईपी सुविधाएं, राज्य सरकार ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी बनी अपर्णा कुमारी। यूपी के शामली में बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान पर प्रशासन और किसानों की बैठक विफल हुई, किसानों ने भुगतान करने पर ही धरना खत्म करने की बात कही है। यूपी के कन्नौज में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, उपभोक्ता को 23 करोड़ का बिजली बिल भेजा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित किया गया किन्नर समाज का सम्मेलन। पाकिस्तान के धुरंधर क्रिकेटर रहे जहीर अब्बास ने कहा है कि विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ है, वो सचिन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। ऋषभ पंत को आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, पंत ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाए। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रूही पॉन्टिंग ने कहा ऋषभ पंत धोनी से ज्यादा शतक लगाएंगे, वो गिलक्रिस्ट की तरह खेलते हैं। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा है कि विश्व कप के लिए आर अश्विन के नाम पर विचार हो, वो शानदार स्पिनर है।
दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 5 विकेट से हराया। 5 वनडे की सीरीज 1-1 से बराबरी पर। पूर्व कोच रमेश पवार विवाद पर बोली महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज, अब मैं उससे पीछे छोड़ आगे बढ़ चुकी हूँ। मुंबई में किताब द स्मॉल वंडर के विमोचन के मौके पर पहुंचे सचिन तेंदुलकर और जिम्नास्ट दीपा कर्माकर। भारतीय मूल की व्यक्ति को सिंगापुर के पूर्व पीएम ली क्वान यू के घर में बम होने की अफवाह फैलाने के मामले में 4 महीने की सजा हुई। पाकिस्तान में बस की तेल के टैंकर से हुई भिड़ंत में 27 यात्रियों की जान गई। नेवी और एयरफोर्स को बढ़ाने के लिए चीन ने अपनी थल सेना को किया 50% कम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आई झूठ बोलने की रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार 2 साल में 8,158 झूठ या फिर गुमराह करने वाले बयान दे चुके हैं ट्रंप। रिपोर्ट के अनुसार पहले साल में रोजाना औसतन 6 झूठ बोले, वहीं दूसरे साल में उन्होंने हर दिन 16 झूठे दावे किए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप को ट्रांसजेंडर्स को सेना में जाने से रोकने की नीति लागू करने के लिए हरी झंडी दी है। अमेरिका के कैनसास में बर्फीले तालाब में फंसे किरण को कराया गया रेस्क्यू। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और जापान के पीएम शिंजो आबे ने मॉस्को में की मुलाकात। इटली में दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। ऑस्ट्रेलिया में फ्लाइट रद्द होने पर यात्री ने शराब पीने के बाद हवाई जहाज में की तोड़फोड़ करने की कोशिश। ऑस्ट्रेलिया में नशे में धुत यात्री ने प्लेन में क्रू मेंबर्स से को यह भी कहा कि उसके पास हथियार है, इसलिए विमान को मॉस्को की जगह अफगानिस्तान ले जाया जाए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।